पंजाब के अफसरों ने कैसे बेच दिया धार का जंगल। पंजाब में जंगल के लिए रिजर्व रखी गई धार की जमीन फिर से जंगल को मिलेगी। जहां हरियाली से प्रेम करने वाले खुश हैं, तो वहीं अफसरों का घोटाला बाहर आने से प्रशासनिक ब्लॉक में हलचल पैदा हुई है। जी हां, हिमाचल के साथ लगते पठानकोट जिले के अधर पर्वतीय धार ब्लॉक की यूपीडीपी की पहाड़ी जमीन को तहसीलदार कानून को और पटवारियों ने मिलीभगत कर अपने ही कुछ क्षेत्र के लोगों के नाम इंतकाल कराया। फिर 27,000 एकड़ जमीन में से हजारों एकड़ जमीन बड़ी कंपनियां, होटल्स और उद्यमियों के नाम की रजिस्ट्री करवा दी। चामलात की यह जमीन 1.5 से 2 लाख रुपए एकड़ के भाव से बेची गई। सस्ती जमीन मिलने के कारण किसी ने 50 और किसी ने 100 तो कुछ ने तो 200 एकड़ तक खरीदा ली। अब यह जमीन वन विभाग के नाम दर्ज होगी। इसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इससे औने पौने दामों पर जंगली और पहाड़ी एरिया में जमीनें खरीदने वाले बड़े भूमियाफियों में अफरा तफरी मच चुकी है। DAFO डॉक्टर संजीव तिवारी ने कहा है कि 27,000 एकड़ जमीन में से आधी से ज्यादा जंगलात विभाग के नाम चढ़ गई है। 10,000 एकड़ जमीन बाकी है जिस पर कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि 1904 में एंडरसन ने नोटिफिकेशन कर दिया था संरक्षित वन। जी हाँ, ये अंग्रेजों के समय से ही जो है जंगल को दी गई थी। बड़ी बात यह है कि कई IAS PCS अफसरों ने खरीद रखी है जमीन। जी हाँ, गुरदासपुर के पूर्व मंत्री रहे नेता के रिश्तेदारों के नाम सुकरेत में 100 एकड़ जमीन, पठानकोट के कुछ उद्योगपति और राजनीतियों के सुकरेत में करीब 100 एकड़ जमीन खरीदी थी, तो अब उनके हाथ से निकल गई है। सुकरेत के पास एक बड़े कारोबारी से कई 100 एकड़ जमीन खरीदी, जिस पर एरिया के एक मशहूर रेस्टोरेंट के नाम का बोर्ड लगा है। 4 साल पहले उससे ज्यादातर जमीन बेच दी थी। पंजाब के कई IAS PCS अफसर ने भी जमीन खरीदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज शाम।